सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं शिखा कुलश्रेष्ठ आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ नाथ नगरी झुमका नगरी बरेली से। तो फ्रेंड्स देखिए आज का मौसम देख लेते। तो देखिए आज का जो है मौसम जो है कुछ इस तरह का है कि कभी तेज़ धूप निकल रही है और कभी हल्की धूप निकल रही है और यहाँ पर हवा बहुत तेज़ी से चल रही है। शायद इसलिए कि पहाड़ों पर बर्फ़ जो है गिरी हुई है और ठंडी ठंडी हवा जो है यहाँ पर जो है चल रही है बहुत तेज़ी के साथ धूल धक्कड़ के साथ। और अब जो है मेरी तैयारी हो गई है अर्चना भाभी जी के घर जाने की, क्योंकि इस साल की किटी हम लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। तो अब मैं पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ अर्चना भाभी जी के घर जाने की, क्योंकि पहली किटी उनकी खुली हुई है तो हम लोग अब उनके घर चलते हैं। तो चलिए हमारे साथ। और एक बात मैं आप लोगों को सबको बता दूं कि पूर्णिमा घर पर नहीं है, पूर्णिमा जो है आज स्कूल गई हुई है और जब पूर्णिमा आएगी शाम को तो मैं आपको उससे भी मिलवाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग अर्चना भाभी जी के आ चुके हैं और आज अर्चना भाभी जी की जो है किटी खुली है। तो हेलो कर दीजिए भाई अर्चना भाभी जी। और देखिए अर्चना भाभी जी यहाँ पर जो है पूरी तैयारी में जो लगी हुई है। देखिए भाई वाह, पनीर के पकौड़े बना रही है और ये है प्रिया भाभी जी। प्रिया भाभी जी भी हेल्प करा रही है। हाय। तो देखिए यहाँ पर भी जो है रश्मि भाभी जी आ चुकी है। रश्मि भाभी जी हेलो कर दीजिए भाई। और यहाँ पर सुमन भाभी जी न्यू कैंडिडेट है, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप अर्चना भाभी जी भी आ चुकी हैं। और यहाँ पर देखिए नाश्ता भी जो लग चुका है। यहाँ पर जो है अर्चना भाभी जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है भाई। तो देखिए यहाँ पर जो सबके लिए जो है चाय भी आ चुकी है और सब लोग देखिए चाय का और जो है स्नैक्स का जो है फुल तरीके से आनंद उठा रहे हैं। और कैसा लग रहा है भाभी जी भाई आपको? नई कैंडिडेट है हमारी किटी पार्टी की। और देखिए यहाँ पर जो है पनीर की पकौड़ी और हरी चटनी भी आ चुकी है। तो चलिए हम लोग इसको इंजॉय करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबने जो है अपनी पेट पूजा कर ली है। कर लिए नहीं कर लिए भाई सबने? बढ़िया। अर्चना भाभी जी आपके से आवाज़ नहीं आ रही। नहीं करी है? करी है वो दोबारा जो है करेंगी पेट पूजा। तो देखिए यहाँ पर सबकी जो है पेट पूजा हो चुकी है और अब हम लोग जो है खेलेंगे जो है तंबोला। तंबोला यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए अब खेलना स्टार्ट करते हैं। और सब प्रिय भाभी जी ने अपनी पर्ची पहले निकाल ली है। लकी नंबर। और भाभी जी को हो रखा है जुकाम। तो देखिए यहाँ पर जो है मैटर डिस्प्यूटेड हो गया है। यहाँ पर जो है 10 नंबर जो है यहाँ पर जो है कम है और हो गई थी पैसे के पीछे लड़ाई। देखिए सबने अपने अपने पैसे उठा लिए। देखिए मतलब 4,000 का लॉस नहीं है, 10 रुपए का ज्यादा लॉस है। 10 रुपए का ज्यादा लॉस है, 10 रुपए का। देखिए अब ये मामला जो है यहीं पर जो है रफा दफा करते हैं, डिस्प्यूटेड हो गया। अब जो है गेम को हम क्लोज करते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर जो है अर्चना भाभी जी पूरी जोरों शोरों से जो है लगी हुई है। और यहाँ पर देखिए अर्चना भाभी जी ने जो है पाव भाजी भी जो है तैयार कर ली है। और देखिए यहाँ पर जो है कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए यहाँ पर उन्होंने जो है भाजी भी तैयार कर ली है भाई। अर्चना भाभी जी कुकिंग बहुत अच्छी करती है क्या भाभी? है ना अच्छी पूरे में ये सोचिए 100 नंबर होते हैं। ओ हाँ हाँ 90 नंबर ही तो है इसमें। हाँ 90 नहीं है पूरे। वही बात हाँ। चलो भाई यहाँ पर नंबर लग चुके हैं। चलिए भाई खाना भी लग चुका है। जब से मैं कह रही थी नंबर मिला लीजिए। चलिए ये 46 नंबर। अब तो क्या करना? हाँ चलिए अब सब हो गया। आप चलिए नेक्स्ट टाइम पे जो खेलेंगे। चलिए भाई आप लोग आ जाइए, बुला रही है अर्चना भाभी जी। आ जाइए प्रिय भाभी जी जल्दी से। पूरे नंबर देखो आप सबके जो है चश्मे हट चुके हैं, सबके चश्मे हट चुके। और देखिए यहाँ पर जो है सब लोग जो है एंजॉय करने लग गए हैं पाव भाजी। तो भाई सब लोग बताएंगे कि कैसा बना है भाभी। चलिए आप भी टेस्ट कर लीजिए। कैसा लगा भाभी जी आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम आके? बहुत अच्छा लग रहा है। किटी अच्छा लग रहा है। और भाई कैसा बना है? बढ़िया बना है, दिख रहा है। और उसमें तो बड़ी जल्दी चश्मा लग जाता है। और कैसा बना है? दिख रहा है कि कहाँ है पाव, कहाँ है भाजी? हमें दिखता है। अर्चना भाभी जी आ जाइए भाई। अरे इतना बड़ा पहाड़ नंबर नहीं दिखेगा। और यहाँ पर भाभी जी जो है छींक करते करते परेशान है, इसलिए कह रही है कि मुझे बस अंदर ही जो है दे दो, तो इसलिए अंदर रख के बैठी है ना। देखिए भाभी जी ने यहाँ पर जो है बहुत अच्छी जो है बनाई है पाव भाजी। पाव भाजी कैसी बनी भाभी जी बताइए? बहुत टेस्टी बनी। बहुत टेस्टी बनी। और मैंने बनाई है पाव भाजी। नहीं भाभी जी ने वास्तव में बहुत अच्छी बनाई थी। कैसी लगी भाभी जी? बहुत बढ़िया। बढ़िया लगी ना? कैसी लग रही? बहुत अच्छी लगी। और रसगुल्ले कैसे लगे? बहुत टेस्टी। दो खाऊंगी। ये किसने बनाया? लो देखो ये कह रहे हैं रसगुल्ले खाऊंगी। ये भी देखिए रसगुल्ले जो है मैंने ही बनाए हैं। यहाँ पर आके सुबह से लग गई थी मैं, सुबह से लग गई थी यहाँ पर। मैंने पाव भाजी और रसगुल्ले मैंने जो है अपने हाथों से ही बनाया, क्योंकि मुझे अपने हाथ का ही बना खाना पसंद है। क्यों भाभी जी? है ना। तो
देखिए यहाँ पर जो अर्चना भाभी जी को जो दी जा रही है मतलब मोटी भारी भरकम रकम, ठीक है, भारी भरकम रकम। तो क्या करने वाले हैं अर्चना भाभी जी आज? हम अपने काम में ले लेंगे, जो जरूरत पड़ेगी काम में ले लेंगे। भाई वाह, तो भाई आपको बहुत बहुत बधाई। वही सब लोग बधाई दे दीजिए। कांग्रेचुलेशंस क्लैपी। चलिए भाई, आपके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा और आपको बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ हम लोग लेते हैं यहाँ से विदा। और देखिए जो है हमारी आज की जो है किटी पार्टी में एक मेंबर जो है चले गए हैं अपने बच्चे को ड्रॉप करने के लिए कोचिंग में, और बहुत से लोग अभी जो है नहीं आ पाए हैं जो है किटी पार्टी में, कोई भी रीजन रहा होगा। तो हम लोग आज के इस किटी पार्टी से विदा लेते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे आपको अगली किटी पार्टी में। तब तक के लिए बाय। तुम भी तो ठीक है, कैसा लगा भाई आप लोगों को? बहुत अच्छा। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट किटी पार्टी में, टिल देन बाय बाय। और देखिए पीहू भी यहाँ पर आ चुकी है, और पीहू अब जा रही है ताइक्वांडो। कहाँ जा रही है पीहू? अरे हेलो हाय तो कर दे गंदी लड़की। और देखिए साथ में कीर्ति भी जो है ताइक्वांडो जा रही है। बाय कीर्ति, बाय पीहू। पीहू मोड़ पे जो है घंटी बजा देना, ठीक है, बाय, धीरे धीरे जाना। और देखिए यहाँ पर भी सब छोटे छोटे जो है बच्चे पढ़ रहे हैं, सब हेलो कर दो, हेलो कर दो सब लोग। और आज जो है सब बच्चों के जो नंबर बहुत अच्छे आए हुए हैं, सबको गुड गुड मिले। बताओ किसे गुड मिला है? मुझे। अरे वाह, सबको गुड मिला है, वेरी गुड। 7 और 10 आए हैं, और जो है 10 में से 10 आए हैं, और इसके भी 10 में से 10 आया, और सबको मिला है गुड, है ना? हाँ गुड भी मिला है ना, है ना? अब हमेशा ही ऐसी मेहनत करते रहना, ओके? हाँ ठीक है, वेरी गुड। और सब लोग ऐसे ही मेहनत करते रहना। हाँ ठीक है, ऐसे ही मेहनत करते रहना, ओके? यस मैम, यस मैम।